हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी हम लोग करने वाले रीजनिंग मिशन 100 का जो हमने टारगेट किया था, तो 500 का पेड पीडीएफ और 500 का जो यूट्यूब पे किराने का टारगेट था अपना, दोनों मिला के 1000 क्वेश्चंस करने थे। ठीक है, ये पार्ट 6 है और आज से सारी चीज़ें कंटिन्यू होंगी आपकी। तो चलो फर्स्ट क्लास देखते हैं इसमें क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन है अपना कि देखो, कमल अपनी बहन गीता से जो है ना 5 गुना बड़ा है या फिर बड़ी है, जो भी है 5 गुना। कमल अपनी बहन गीता से 5 गुना बड़ा है चाहे बड़ी है, जो अपने भाई राम से 2 वर्ष कम है। यदि राम 8 वर्ष का है तो कमल की आयु बताओ। देखो ऐसे क्वेश्चंस के लिए ना ज्यादा दिमाग नहीं लगाते, तो फिर क्या लगाते हैं सर? बस पेन का इंक लगाते हैं। कैसे? यहाँ पे आप लिख लोगे, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे कमल अपनी बहन गीता से 5 गुना बड़ा है। ठीक है, तो मान लेते हैं, चलो हटाओ, जो अपने भाई राम से 2 वर्ष कम है। तो राम का एज अगर मान लो यहाँ पे कितना है, मान लेते 1 साल है। ठीक है, यहाँ पे नहीं, यदि राम का एज जो है 8 साल है, यहाँ पे मेंशन कर रखा है राम का एज जो है अगर 8 साल है, तो फिर क्या रहना कि गीता का जो एज है ना वो राम से 2 साल कम है। ठीक है, तो गीता का एज कितना हो जाएगा? 2 साल कम मतलब 6 ईयर्स। अब कमल का बताओ, अब कमल अपनी बहन गीता से 5 गुनी बढ़ी है, तो 6 × 5 कर लो, हो जाएगा 30 ईयर्स। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। आ रहा है समझ में? तो ये ऐसे क्वेश्चंस के लिए ना ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस जो जो बोला गया वो लिखते जाना। और फिर से एक बार कह दूं, मैं आप लोगों को बताना चाहता था कि रीजनिंग टॉप 500 जो है ना, जैसे ये तो हमने पीडीएफ में दिया है आपको पहले ही, पेड है, 35 रुपीज की रीजनिंग की पीडीएफ है। और अगर वो क्या कहते हैं, अगर वेबसाइट से लोगे तो 35+ में टैक्स लगेगा, अगर व्हाट्सएप से लोगे तो 36 रुपये लगेंगे। ठीक है, तो आपका लिंक जो है दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, मैंने दे दिया है। आप पूरे चैप्टर वाइज सॉल्यूशन के साथ रीजनिंग है, तो जाके बाई कर लो, या फिर आप व्हाट्सअप कर लो, पैसा बचाना चाहते हो तो 36 रुपये में रीजनिंग की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ठीक है, उसी के साथ साथ आपको सारे क्वेश्चंस हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। टॉप 500 साइंस जो कि सेक्शन 1 के लिए हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर है, और वहीं पे मैथ का भी पीडीएफ बन गया है, 2 दिन पहले ही बना, जो कि पूरे चैप्टर वाइज है। टोटल इसमें 500 क्वेश्चंस तो नहीं है, बट 400+ है। एग्जैक्टली हमने काउंट किया नहीं है, लेकिन 500 कुछ कम है, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस मैंने निकाला है इसमें से बाहर कर दिया, जो कि बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं थे वो, और साथ में इंग्लिश टॉप 500 के, तो सब में 500 है, खाली मैथ में 500 से कम होगा थोड़ा। ठीक है, बट ये सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जाके आप बाय कर लो। डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दिया और ये व्हाट्सअप नंबर भी दे दिया, तो जहां से आपको अच्छा लगे वहां से बाय कर लो। ठीक है, व्हाट्सअप पे थोड़ा पैसा बच जाएगा आपका, कम पैसा लगेगा। ठीक है ना, यही टैक्स नहीं लगेगा। तो चलो अभी सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सेकेंड क्वेश्चन है जनाब की, अगर डिवाइड का मतलब है जोड़, ठीक है, डिवाइड का मतलब जोड़ है, प्लस का मतलब घटाव है, और माइनस का मतलब गुणा है, और गुणा का मतलब भाग है, तो इसका वैल्यू बताओ। देखो मल्टीप्लाई का मतलब क्या रहा है, क्या डिवाइड है, गुणा का अर्थ भाई है, मल्टीप्लीकेशन मीन्स डिवीजन। ठीक है ना, तो यहाँ पे 7 लिख लो, माइनस का मतलब गुणा कह लो, ठीक है, और 3 हो गया, डिवाइड का मतलब जोड़ कह लो, और प्लस का अर्थ घटाव कह लो। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो, 7 टर्म्स में कट जाएंगे। ठीक है, तो 7 × 3 + 9 − 4, ये 21 प्लस में 9 − 4, 30 − 4 = 26। ये तो बड़ा सिंपल सा सवाल था, आई होप कि कर लियोगे। आप वीडियो को ना रोक दिया करो, क्वेश्चन देख के वीडियो को पॉज किया करो, फिर सॉल्यूशन किया। ठीक है, चलो फिर देखो, बताओ इनमें से कौन सा है कि ऐसा है जो भिन्न है, सबसे अलग है, डिफरेंट है। 17, 54, 2, 6, 9, 4, 9111, 7324। तो वीडियो को रोको, सोचो। देखो पहले वाले के अंदर ना अगर 1, 7, 5 और 4 को जोड़ दोगे तो 17 आ जाएगा। फिर दूसरे वाले में भी 2, 6, 9 + 0 को जोड़ दो, 17 आ जाएगा। थर्ड वाले में 9, 6, 1 + 1 को जोड़ दो, ये भी 17 आ रहा है। फिर थर्ड में 7 + 3 + 2 + 4 जोड़ दो तो 16 आ रहा है। ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर डी जो है डिफरेंट है बाकी सभी के साथ। ठीक है ना, चलो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है ना कि अगर किताब का रिलेशन लाइब्रेरी के साथ है, बुक का लाइब्रेरी के साथ, तो एनिमल का किसके साथ होगा? कुछ लोग कहेंगे हंटर, कुछ चिड़ियाघर, कुछ जंगली, कुछ डोमेस्टिक। ठीक है, तो जंगली कुछ लोग ज़्यादातर सोच रहे होंगे। देखो एक चीज़ है, बुक्स को कहाँ रखा जाता है? पुस्तकालय में। बुक्स को लाइब्रेरी में। तो एनिमल कहाँ मिलेंगे आपको? जू के अंदर, चिड़ियाघर में। अब बोलोगे जंगली, तो जंगली होना और पालतू होना तो उनका एक क्या है, विशेषता है ना, बट रियलिटी इज दैट कि उनको जो है हैबिटेंट उनका कहें चिड़ियाघर बना देते हैं रखने के लिए। ठीक है, आगे देखो, वो जू करेक्ट आंसर है। अब कह रहे ना A, R, C, S, E, T, G, तो फिर अगली बार 2 क्या फिल करेंगे इसके अंदर? देखो वीडियो को रोक के जरा ना इसके अंदर आप दिमाग लगाओ कि इसमें क्या हम फिल करें।
यही दिमाग लगाने के बाद आपको एक चीज इसके अंदर दिख जाएगा कि सर कुछ नहीं, ए में क्या जोड़ा गया है, दो जोड़ा गया है, सी में भी दो जोड़ा गया है, एक एक गैप करके ई में भी दो जोड़ दो, फिर जी में दो जोड़ दोगे तो क्या मिलेगा, आई मिल जाएगा किनारे में, और किनारे में आई ऑप्शन नंबर कहाँ पे है, बी के अंदर है, तो आप इसको आंसर कर सकते हैं। फिर भी देखो आर के बाद एस है, इसके बाद टी, टी के बाद क्या होगा यू, तो और आई का जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी के अंदर। ठीक है चलो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगर पिकॉक इंडिया के साथ है तो बियर किसके साथ होगा। देखो पिकॉक जो है ना इंडिया का क्या है, नेशनल बर्ड है ये, बियर तो बर्ड नहीं है फिर भी एनिमल है, तो किस कंट्री का है, ब्राउन बियर। ठीक है ब्राउन मुंडे नहीं, ब्राउन बियर, ब्राउन बियर किस कंट्री का है, अगर आपको पता होगा तो समझ में आ रहा होगा, वो रशिया का है, ठीक ब्राउन बियर है, नेशनल एनिमल मान लो। आगे है ना कि बी सी की बहन है, ए बी का भाई है, ई डी की बहन है, डी बी का पुत्र है, तो ई ए से कैसे संबंधित। देखो बी जो है वो क्या है, किसकी है, क्या बहन, ए जो है क्या है, बी का भाई है, ठीक है, फिर कह रहा है ई डी की बहन है, ना तो हमको ई का पता ना तो डी का पता। आगे देखो डी जो है ना बी का पुत्र है, अब बी का पुत्र कौन, डी। अब आगे जो है ई जो है डी की बहन है, पहले देखा था यहाँ पे ई जो है कौन, डी की बहन है, ये बहन बना दो। अब कह रहा है ई ए से कैसे रिलेटेड है, पहली बात तो देखो ये दोनों भाई बहन थे तो ई ए का क्या लगेगा, मामा, तो मामा की ये ई क्या लग जाएगी, भांजी, ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, भांजी है ना, वो ई क्या थी, देखो डी की बहन, ठीक है, तो ये भांजी ही हो जाएगी, कहाँ पे है, नाइस, नेफ्यू नहीं, यहाँ पे जेंडर थोड़ा सा जो है ना जेंडर से समझना होगा, यहाँ पे इधर रखा है ई जो है डी की बहन है तो ये फीमेल है, वो भांजी हो जाएगी ना कि भांजा, ठीक है ना। चलो भांजा भांजी आगे देखते हैं। एट नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, इनमें से डिफरेंट कौन सा है, ये चीज बताओ आप, डिफरेंट है और किस बेस पे डिफरेंट है, ये चीज अपने को बताना होगा, ठीक है। चलो इसके अंदर पहला देख रहे होगे 24 को हम लोग लिख लेते हैं क्या, 76, ठीक, फिर दूसरा क्या 16 को क्या कह रहे हैं हम लोग, 52, ओके, तीसरा है 12 एंड 38, चौथा 19 और 21, तो कैसे डिफरेंस। अब देखो एक चीज मैं बताता हूँ, 24 इंटू 4 करोगे तो क्या आएगा, सॉरी 3 करोगे तो क्या आएगा, 72, और 24 का पहला डिजिट क्या है, 4 है, तो इसके अंदर 4 जोड़ दो, 76 आ रहा है। फिर 16 इंटू 3 क्या होता है, पहला डिजिट नहीं मतलब 4 जोड़ दो इनके अंदर, सीधे बात है, तो 48, 48 में 4 जोड़ दोगे तो क्या आएगा, 52 हो जाएगा। फिर 12 इंटू 3 करोगे तो 48 हो जाएगा, 36 हो जाएगा, फिर 36 में 4 जोड़ने के बाद तो 40 होना चाहिए था बट 38 आ रहा है। देखो 19 इंटू 3 57, इसमें 4 जोड़ोगे तो 61 आ जाएगा, तो सब में 3 से मल्टीप्लाई करके 4 जोड़ना था, लेकिन ऑप्शन नंबर सी के अंदर ऐसा नहीं किया गया, हमको मिला ही नहीं, 38 आ रहा है तो गलत है ना, तो सी नंबर जो है सबसे अलग है। नाइन नंबर देखो, 25 को अगर हम 25 को अगर 1 2 5 लिखते हैं तो 36 क्या लिखेंगे, तो ये तो ईजी है, ये 5 का स्क्वायर, ये 5 का क्यूब, ये 6 का स्क्वायर है, तो 6 का हो जाएगा 216, ये तो बहुत ज़्यादा ईजी था, आई होप कि कर लिया होगा सबने। 10 नंबर में क्या है ना, 7 12 22 37 और 57 है, तो अगला सीरीज क्या होगा, देखो 10 में क्या जोड़ेंगे, देखो यहाँ पे समझ, 7 में क्या जोड़ा हमने, 5 ऐड किया, फिर इसके अंदर हमने 10 ऐड कर दिया, फिर इसके अंदर हमने क्या 15 ऐड कर दिया, फिर 20 ऐड कर दिया, देखो 5 10 15 20, तो अगली बार क्या करेंगे, 25, 5 का टेबल है, इसके अंदर 25 ऐड करोगे तो 57 प्लस ये 82, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल भी सही है, ठीक है। चलो इस बेस पे कह सकते हैं कि ए जो है बिल्कुल भी सही आंसर है। आगे देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपसे, देखो डिप्थेरिया को बैक्टीरिया लिखते हैं तो मलेरिया को क्या लिखेंगे, लिखेंगे वेखेंगे कुछ नहीं, बस सिंपली पूछ रहे हैं ना आपसे कि डिप्थेरिया को अगर बैक्टीरिया से होती है तो मलेरिया किससे होती है। सर देखो मलेरिया एक ना आपने सुना होगा प्लाज्मोडियम का नाम सुना होगा, अब ये प्लाज्मोडियम क्या चीज है, तो प्लाज्मोडियम एक प्रकार का प्रोटोजोआ है, ठीक है, इनका जीनस ही प्रोटोजोआ होता है, तो ये प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी है बस। 12 नंबर में क्या है आपसे, देखो ए इंटू पी इज इक्वल टू 256, ठीक है, तो हम एच इंटू एस बराबर क्या लिखेंगे, सबसे पहले सुन लो ये के 11 नंबर पे होता है, पी जो होता है 16 नंबर पे होता है, तो बट 11 इंटू 16 तो कभी 256 नहीं हो सकते, नहीं हो सकता ना, तो ठीक है इसको गोली मारो। अब क्या करें सर हम लोग, देखो मैं बताता हूँ के का अपोजिट क्या होता है, के 11 नंबर पे होता है ना,
अपोजिट मतलब 26 में से अगर 11 घटाओगे, ठीक है, तो मतलब उल्टा साइड से जाएंगे तो जो वैल्यू मिलेगा ना, वही चीज को कहते हैं लाइक। देखो यहाँ पे सिंपल समझो, 11 नंबर पे होता है, इसमें क्या जोड़ देंगे कि वैल्यू 27 हो जाएगा, बताओ। इसमें 16 जोड़ देंगे तो वैल्यू 27 हो जाएगा, मतलब ये पीछे से भी 11 नंबर पे आना चाहिए, सॉरी 16 नंबर पे आना चाहिए। जैसे ए बी सी डी से कर रहे हैं तो 11 नंबर पे आ रहा है, अगर हम जेड से काउंट करो तो के भी अगर पीछे से भी क्या आना चाहिए, 16 नंबर पे आना चाहिए, यही कह रहा। 16 नंबर पे आएगा तो पीछे से काउंट करने पे जितना नंबर आएगा के का वैल्यू वही रखेंगे, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा ना, हमने क्या रखा है, 11 प्लस में 16 इज इक्वल टू 27, अगर हो रहा है, 27 का रूल है, 27 का रूल मैंने पढ़ाया था, बहुत ज्यादा फॉलो करता है, आगे भी मिलेगा क्वेश्चन इसको, तो इसलिए 16 × 16, पी 16 नंबर पे होता ही है, 256। वैसे देखो एच जो है कितने नंबर पे होता है, ए बी सी एफ जी एच, तो 8 नंबर पे होता है। 8 जो है ना, 8 में कितना जोड़ोगे तो 27 आएगा, 19 जोड़ दोगे तो 27 आ जाएगा, ठीक है। तो मतलब समझ में आ रहा है, एच तो ऑलरेडी 19 नंबर पे होता है, और 8 में भी 19 जोड़ने के लिए कह रहा है, मतलब एच को ना जेड से काउंट करोगे तो 19वें नंबर पे आएगा। जैसे 19 × 19 कितना होता है, 3161 हो जाता है। करेक्ट आंसर क्या हो गया अपना, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर। अगला सवाल देखो क्या कह रहा है, यदि कश्मीर को पी जेड एच एस एन आर आई लिखते हैं तो यू आर आई को क्या लिखेंगे, तो सिंपल सा लॉजिक है कश्मीर, ठीक है। तो कश्मीर का देखो यहाँ पे एक चीज मैं बताता हूँ, जो मैंने अभी 27 का नियम बताया, ए एस एच ए आई आर, ठीक है, अब हो जाएगा पी जेड एच एस एन आर और आई, ठीक। ये कितने नंबर पे होता है, 11 नंबर पे। पी कितने नंबर पे होता है, 16 नंबर पे। 11 और इनको जोड़ोगे तो क्या आएगा, 27 आएगा। ए होता है 1 नंबर पे, जेड होता है 26 नंबर पे, इनको जोड़ोगे तो वैल्यू क्या आएगा, 27 आएगा। एस 19 नंबर पे होता है और ये एच 18 नंबर पे होता है, जोड़ने पे 27 आएगा। इस तरीके से सबको जोड़ने पे 27 आ रहा है ना, उस तरीके से यू उरी को भी करो, यू आता है कितने, 21 नंबर पे। 21 में क्या जोड़ोगे, 6 जोड़ दोगे तो 27 हो जाएगा। तो 6 कितने नंबर पे होता है ये बताओ मुझे, 6 नंबर पे क्या होता है ये बताओ मुझे, 6 नंबर पे होता है आपका एफ, ठीक है। आर कितने नंबर पे, 18, 18 नंबर पे। 18 में कितना जोड़ दोगे आप, 9 जोड़ दोगे, 9 नंबर पे होता है आर। आई कितने नंबर पे, 9 जोड़ दोगे, ठीक है, तो फिर 9 में कितना जोड़ोगे, 18 जोड़ोगे तो आएगा, तो आर आ जाएगा, ठीक है ना, तो एफ आई आर बन जाएगा इसका सही। मतलब 9 और 18 को जोड़ोगे तो क्या आएगा आपका, 27। 18 9 को जोड़ोगे तो 27, सॉरी की 6 को जोड़ोगे 27, यही 27 का रूल है। अभी और आगे मिलेगा 27 के रूल पे, मैंने और जानबूझ के क्लियर हो जाए आपका कॉन्सेप्ट। ए बी सी डी को लिख रहे हैं ना, डब्ल्यू एक्स वाई जेड। अब देखो ये 1 नंबर पे आता है, ये 2 नंबर पे, ये 3 नंबर पे, ये 4 नंबर पे, ये 26 नंबर पे होता है, ठीक है, और वाई आपका जो हो जाएगा 25 नंबर पे हो जाएगा। ये आ रहा है के लिए आप 25 लिख यहाँ पे, ठीक है। तो जो चीजें हैं वो लिख रहा हूँ मैं, समझा। यहाँ पे एक्स कितने नंबर पे आता है, 24 नंबर। डब्ल्यू 23, देखो ए में 26 जोड़ोगे तो क्या होगा, 27। बी में फिर क्या करोगे, 25 जोड़ोगे तो 27। बी में जो है ना एक्स जोड़ोगे तो 27 और डी डब्ल्यू जोड़ोगे तो 27 की तरफ है, वही काम करो। ई एफ एच कितने नंबर पे आता है, 5, ये 6, ये 7, 1। तो 5 में कितना जोड़ेंगे तो वो एंड में चला जाएगा, हम लोग कितना जोड़ेंगे तो देखो 22 जोड़ेंगे तो 27 आ जाएगा। 22 नंबर पे क्या आता है, भी आता है, ठीक है। और वहीं से 6 जो है, 6 में कितना जोड़ोगे आप, यहाँ पे आप मतलब क्या कहते हैं इसको, एक कह लो ना, यहाँ पे एक जोड़ यू हो जाएगा, और 21 जोड़ेंगे तो 27 आएगा। तो 21 नंबर पे यू होता है। फिर एच में कितना जोड़ोगे आप, 20 जोड़ोगे, 20 नंबर पे क्या आता है, 20 टी। एट में कितना जोड़ोगे आप, 19, 19 नंबर पे क्या आता है, इस तरीके से पीछे की आगे तरफ बढ़ोगे तो एस टी यू भी ऑप्शन नंबर डी के अंदर मिलेगा। 14 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो फिर आगे देख लेते हैं अगला सवाल क्या कह रहा है। 15 और लास्ट क्वेश्चन है आपका, अर्थक्वेक को लिखते हैं हम लोग इतना, क्या लिखे, ठीक है। इसी के अंदर ई का वैल्यू एम दे रखा है, ए का वैल्यू ओ दे रखा, आर का वैल्यू जी दे रखा, टी का वैल्यू पी, तो वही रख देंगे। जैसे इक्वेट का क्या है, ई को क्या लिखा गया है, ई को इसके अंदर एम लिखा गया है, तो इसके अंदर इक्वेट का भी एम कह दो। क्यू का पूछ रहा है तो क्यू को देखो, पीछे से 1 2 3 4 5वें नंबर पे, तो 1 2 3 4 5 एम के बाद एन होगा, तो एम के बाद एन ऑप्शन नंबर डी के अंदर है। इसी तरीके से आप काउंट कर लो, यू को क्या लिखा गया है, पीछे से 4थे नंबर पे, 1 2 3 4, तो एम के बाद जे
एन के बाद जे इस तरीके से कर लो आप, ठीक है ना। चलो तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, ये जो क्लियर हो गया। अब गई जाते थे, फिर से कह दूं कि जिसमें अभी तक रीजनिंग और साइंस, वहीं पे मैथमेटिक्स और इंग्लिश, ये सभी जो है ना, इसमें जो आपको लगता है कि आपका खराब है उसकी एक पीडीएफ ले लो। आपको लगता है दो सब्जेक्ट खराब है दोनों ले लो, या फिर लगता है आपका तैयारी बिल्कुल अच्छी नहीं है, तो आप चारों पीडीएफ लेके बढ़िया से पढ़ लो, ठीक है। और व्हाट्सएप कर लो, आपको मतलब एग्जैक्ट प्राइस में देना मिल जाएगा, टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए बाय बाय। और बहुत सारे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने के लिए यहाँ से मिलते हैं सेम पैटर्न पे बिल्कुल।